गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारे इवेंट का दूसरा दिन, और कल मैंने वीडियो में बताया था कि हमने होटल चेंज किया है क्योंकि ये हमारे सेट के काफी करीब था, तो हमने ये दूसरा होटल लिया है। अपनी हालत देख सकते हो आप रूम की किस तरह हो चुकी है। बस हम रेडियो पे निकलने वाले हैं। होटल का व्यू भी इसमें बहुत अच्छा है बाहर के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं बाहर आप, हल्की हल्की सी धूप निकली है। ये होटल ठंडा हो रखा है। तो अभी रेड शर्ट पहन के जानी पड़ती है, सारे कपड़े धरे के धरे रह गए। हमारे राहुल भाई अभी रेडी हो रहे, तो हम निकल चुके हैं होटल से। ये रहा हमारा होटल BSR, और सामने हमारी लोकेशन है थोड़ा कोने से, थोड़ा लेफ्ट में। तो 2 मिनट लगेंगे हमें वॉकिंग डिस्टेंस से। मौसम काफी अच्छा है आज कल के मुकाबले, कल काफी धूप थी 10 बजे। तो गाइस ये हमारा सेटअप अभी स्टार्ट ही हो रहा है। अभी हमारी टीम के और मेंबर भी आएंगे, और चलता फिरता रोड है काफी गोल चक्कर, तो दिन के टाइम काफी रश हो रही थी। हमारी आई कर रही है और आज दशहरा है, तो इसलिए राम जाती है। वक्त हो चुका है शाम के, बज चुके हैं 6:30, और हमारी टीम के बंदे आई। ये बहुत शांत लड़की है, इसके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, और ये तो उससे भी शांत है।
अपने इवेंट क्लियर करके, आज काफी स्लो था काम मॉर्निंग टाइम में इवनिंग तक, तो इवनिंग में दशहरा के मेले देखने लोग काफी बदल जा रहे थे, तो काफी रश हो गया था। और साथ ही आपने देख चुके होंगे हमारे साथ वीडियो में, तो फनी हमारे साथ आज लायम चिकन पनीर और दाल चावल, तो खाना खाते हैं और मजे करते हैं। हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे, तो हमारा काम तीन ही दिन का था, तो हम चेकआउट करेंगे आधे घंटे में। उसके बाद अपने सेट पे जहाँ पर सैमसंग की एक्टिविटी चल रही है वहाँ पहुँच कर एक्टिविटी शुरू करेंगे, और तो हम शाम को वहीं से अपने दिल्ली के लिए निकलेंगे। दो दिन काफ़ी अच्छे गए हैं, आज तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। इसके अलावा अगर आप सैमसंग के किसी और फोन को परचेज करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे स्टोर पर यानी कि विक्की के मन जोर से तो फाइनली हो चुका है हमारा इवेंट खत्म, तीन दिन हमने गुजार लिए अपने। तो बस लेने से अच्छा हमने सोचा क्यों ना कैब कर ले, क्योंकि तो कैब की बात चल रही है, तो देखते हैं कि कैब में जाना होता है बस में जाना होता है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, काफी रौनक है अम्बाला कैंट में, ये बसें देख सकते हो आज दिल्ली की लगी हुई है सारी, तो काफी अच्छा रहा ट्रिप। बस आप घर पहुंच जाए, बस यही रहता कहीं बाहर जाते दो दिन चार दिन छः दिन, तो छः दिन जहाँ ऐसा लगता है कि मतलब कैसे गुजरते हैं बिना घर के, सात दिन गुजारते हो तो ऐसा लगता है कि हम 14 दिन बाहर हैं, काफ़ी सुनापन लगता है किसी नई जगह पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक दैट प्लीज थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग। तो फाइनली यहाँ से हमने किया क्या दिल्ली के लिए, और राहुल भाई आगे बैठे हैं और हमारे पीछे थोड़ा लगेज है, तो इसलिए अनकम्फर्टेबल है बैठने का, तो अब देखते हैं अभी यहाँ से मिलेंगे 3 से 3.5 घंटे दिल्ली तक जाए। लेने दो बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया।